लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूं 2011 से जब से मैं आया हूं सबको कांटों की तरह चुभने लगा मैं पता नहीं क्यों यार। आखिर मैं ज्यादा वर्क करता हूं इसलिए चुभता हूं, ज्यादा मेरे गाने बजते हैं इसलिए चुभता हूं, ज्यादा फिल्में मेरी चलती है इसलिए चुभता हूं, मैंने अपने औकात से ज्यादा प्रॉपर्टी कर ली इसलिए चुभता हूं, मैं गरीबों की सेवा में रहता हूं हमेशा इसलिए चुभता हूं, लोगों को गोद लेता हूं इसलिए चुभता हूं, आखिर कारण क्या है? ऐसा तो मैं आपको चुभाने के लिए कोई काम ही नहीं करता जिससे आपको तकलीफ हो, बट आप सबको प्रॉब्लम क्या है भाई मेरे से? पूरी इंडस्ट्री को जब से मेरा नाम आता है एकदम कोरोना पॉजिटिव हो जाता हूं मैं, लेकिन आपको पता नहीं है पूरे हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन हूं मैं और आप सबके लिए तो ज्यादा वैक्सीन हूं मैं। जो भी मेरे बारे में बोलता है अलग ही बोलता है, मैंने खेसारी क्या कर दिया यार आप सबको। ओ गॉड, बट कोई नहीं, मुझे सुशांत सिंह राजपूत की तरफ लेकर जाइए, आप कोशिश करिए कि हम भी कुछ कर जाएं, बट ऐसा करूंगा नहीं मैं। हेलो, पैसे से अगर स्टार्टअप मिलती होती है ना, पैसे से सामान खरीद सकते हैं आप, सम्मान नहीं। इंडस्ट्री सारी भोजपुरी इंडस्ट्री मिलकर एक को दबाना चाहती है और वो है जो दबने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि उसके पास मेरे जीवन में किसी का योगदान नहीं है, सहयोग है। अगर योगदान है तो मेरे जीवन में सिर्फ मेरे जनता का है, रिपब्लिक का है, उसके दम पे मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और उनके दम पे ही कुछ बोलने की ताकत भी रखता हूँ, कर रहा हूँ। अच्छा गाना गाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, ज्यादा गाना गाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, अच्छी सिनेमा कर देता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। संघर्ष में मेरी कोई उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उसके बाद कोई हिट सिनेमा बन जाती तो शायद मुझे भी अच्छा लगता कि संघर्ष के बाद अगर कोई सुपर हिट मूवी बन जाती ना तो मुझे बड़ी खुशी होती कि हाँ यार खेसारी के बाद ये करके दिखाया। तो जुबानी लड़ाई बंद करिए, काम करिए ना, थोड़ा सा फोकस कर दीजिए काम पे। जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के साथ हिंदी के लोगों ने किया वही काम अब भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के साथ शुरू हो गया। क्यों भाई, मेरे गाना ज्यादा चल रहे हैं तो मैं पब्लिक को कैसे रोकूं यार, मेरी इसमें क्या गलती है, मैं पब्लिक को कैसे रोक सकता हूं? उनको मैं पसंद हूं, उनके दिल पे राज करता हूं क्योंकि मैं उनके गोद में बैठता हूं। पैसे से स्टार्डम कमाने का शौक मुझे नहीं है, मैं मेहनत करके अपना जीवन चलाता हूं। सारे के सारे एकदम पीछे ही पड़ गए हैं यार, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, छोड़ दूं इंडस्ट्री, घर चला जाऊं, चाहते हो फिर से लिट्टी बेचूं मैं? बट ऐसा करूंगा नहीं, मैं उतना कमजोर नहीं हूं, मेरे पीछे ये 70 करोड़ जनता है, आप समझ सकते हो। सबको सम्मान कर रहा हूं जो भी मेरे इससे जुड़े हुए हैं लाइव से, दिल से प्रणाम, और ठीक है होता है, लव यू ऑल। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया होगा तो सॉरी, माफ कर।